बदुनाव के आसीवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर दो बाइकों की भिड़ंत में तीन लोग घायल। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मियांगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने एक की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तीन लोग आए थे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के थे, जिसमें के एक मूलचंद जी थे जो कि पूर्व प्रधान है शाहपुर सिंधौरा के, एक होमगार्ड था जिसका नाम प्रदीप है जो कि थाना आसीवन में पोस्टेड है, और जो गाड़ी मूलचंद की चला रहा था उनका नाम मनीराम है। तो ये तीन लोग आए थे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, दो लोग जिसमें के प्रधान और मनीराम, ये दोनों एक गाड़ी पे थे और होमगार्ड दूसरे मोटरसाइकिल पे था। दोनों की आपस में भिड़ंत थी। इनको पब्लिक के सहयोग से अस्पताल सीएससी मियांगंज लाया गया, जहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया तथा श्री मूलचंद को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, क्योंकि उनकी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और सर में कुछ गंभीर चोटें थी। परंतु होमगार्ड तथा मनीराम को प्राथमिक उपचार देते हुए दवा लिख के उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। धन्यवाद। उन्नाव से केकेडे न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। जब लोगों को न्याय देने वाली पुलिस ही अन्याय करने लग जाए तो आखिर आम जनता किससे न्याय की उम्मीद लगाए। ऐसा ही एक मामला महोबा में सामने आया है, जहां पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार एक क्रेशर मालिक से धमकी देकर 6 लाख की मांग कर रहे। क्रेशर मालिक ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो अपने ऊपर बीते हाल बताए, जिसमें पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार ने गाली देकर धमकी दी कि अगर एक हफ्ते के अंदर पैसे नहीं भिजवाए तो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा दूंगा। इसके साथ ही क्रेशर मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार इस पे क्या कार्यवाही करवाती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इंद्रकांत त्रिपाठी, पुत्र श्री किशोरीलाल त्रिपाठी, जवाहर नगर कबरई का निवासी हूँ। महोबा पुलिस अधीक्षक श्री मणिलाल पाटीदार एक बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, जो खुलेआम हर किसी से रुपए की डिमांड करते हैं। जैसा कि मेरे साथ घटित हुआ, मेरे क्रेशर के पार्टनर बालकिशोर द्विवेदी और पुरुषोत्तम सोनी दोनों विस्फोटक के लाइसेंस होल्डर, मैगजीन होल्डर व्यक्ति हैं, जिनका मैं प्रशासनिक व कानूनी कार्य देखता हूं। इस संबंध में सूर्य केमिकल्स के सुरेश सोनी, जो प्रतिमा है एसपी मणिलाल पाटीदार को 5 लाख से 6 लाख रुपए प्रतिमाह देते चले आ रहे हैं, जब से मणिलाल पाटीदार जी महोबा में पोस्टेड हुए हैं, उसी संदर्भ में जून 2020 को मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो। मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ, जिसको देने में मैंने असमर्थता जताई तो माननीय मणिलाल पाटीदार जी ने मुझे धमकाया कि अगर तुमने 6 लाख रुपए प्रति माह मुझे नहीं दिए तो तुम्हारे इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि जिसकी तुम गिनती नहीं गिन पाओगे, वह तुम्हारे परिवार के खिलाफ इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि तुम गिनती नहीं गिन पाओगे और सारे मुकदमे फर्जी होंगे। तब डरवश मैंने 6 लाख रुपए उन्हें जून में व 6 लाख रुपए जुलाई माह में दिए। मुझे विस्फोटक के काम में घाटा लगा। मैंने जाकर उन्हें अपनी यथास्थिति बताई और बताया कि साहब अब मैं रुपया देने में असमर्थ हूँ। तब उन्होंने मुझे डांट डपट के गाली गलौज करके भगा दिया। उसके बाद सुरेश सोनी से मेरे पास बार बार मैसेज भेजते रहे कि उसको भेजो मेरे पास, नहीं तो उसके मुकदमे लगा दूंगा। ऐसो कबरई श्री देवेंद्र शुक्ला जी से उनने यही शब्द मुझसे कहलवाए, बार बार धमकियां दिलवाते रहे। तब मैं 2 तारीख को इसी महीने की, यानी 9वें महीने की 2 तारीख को ऐसो देवेंद्र मिश्रा जी के पास गया। उन्हें मैंने अपनी आपबीती बताई, पर देवेंद्र
शुक्ला जी का कहना था कि आप जाकर पुलिस अधीक्षक महोबा से मिलिए और जो वो कह रहे हैं वो करिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ इतने फर्जी मुकदमे लग जाएंगे जिसकी आप गिनती नहीं गिन पाएंगे। तब मैं 3 तारीख अगले दिन यानी 3 तारीख को इसी 9वें महीने की सितंबर माह की 3 तारीख को माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास कार्यालय में गया, उनसे आप बीती। तब मैं माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 तारीख को 3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया उनके कार्यालय में और उन्हें मैंने अपनी आपबीती बताई। मैंने बताया, मानवर मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व ऐसो कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूँ। तब उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फ़ोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूँगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूँगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है, मेरे ज़िले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूँगा वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए मानवर मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवा कर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहां से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। वाह सुरेश। महोबा से KKD न्यूज संवाददाता सनत कुमार की रिपोर्ट।